हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला जिला परिषद के वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार समाज सेवी मक्खन सिंह लबाना के चुनावी सभाओं में जनसैलाब उमड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने का अनुरोध करते हुए मक्खन सिंह लबाना न केवल हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं बल्कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारों की ओर से किए जा रहे जनकल्याण के कार्यों की भी चर्चा कर रहे हैं। मक्खन सिंह लबाना का कहना है कि हरियाणा में प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है और प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहन देने के लिए वहां पढ़ने वाले बच्चों को 1100 रुपए देने का ऐलान कर रही है जबकि सरकारी स्कूल के बच्चों से 500 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। मक्खन सिंह लबाना अपने इलाके के मतदाताओं को ये कहकर सचेत कर रहे हैं कि यदि अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आम आदमी पार्टी के झाड़ू के बटन को दबाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बेहतरीन शिक्षा सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ साथ बिना भेदभाव के दिल्ली वासियों को पानी और बिजली की निशुल्क सेवा उपलब्ध करवाई है। बस सेवाओं को भी बहुत बेहतर बनाया है। मोहल्ला क्लिनिक खोलकर लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाई है। इसी की तर्ज पर अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों के हित में अभूतपूर्व फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मक्खन सिंह लबाना की सभाओं में अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद और चौधरी निर्मल सिंह जिंदाबाद के नारे खूब गूंज रहे हैं। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।